तत्वार्थ रामायण में अयोध्या कांड के पीछे आता है तीसरा अरण्य कांड। अरण्य कांड निर्व्यसन मनाता है। अरण्य कांड बोध कराता है कि धीरे धीरे संयम बढ़ा करके वासना का विनाश करो। निर्वैर होने के पीछे भी वासना त्रास देती है। मानव का मन अनेक पाप वासनाओं से दूषित हो चुका है। वह अधिकतर काम वासना भोगने के लिए ही आतुर रहता है। अनेक प्रकार के भय और चिंताओं से व्याकुल रहता है। मन कामातुर है, भय से व्याप्त है और नाना प्रकार की इच्छाओं से पीड़ित है। मानव को दुख देने वाली ये वासना ही है। योग वशिष्ठ में एक स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने विशिष्ट ऋषि जी से कहा, तंति मातंग घटातरंग रण अंबदी ये मई ते ना शूरा, शूरास्त एम ए मनस्तरंगम देहेन्द्रिय अंबोधि एवं तरंती। गुरुदेव, युद्ध भूमि हो और सामने शत्रु के पहाड़ जैसे मोटे हाथियों की पंक्तियां गरज रही हैं। हाथियों की ऐसी विशाल सेना को स्वयं के बाहुबल से छिन्न भिन्न कर सकें, स्वयं की शक्ति से उनका भेदन करके पार निकल जाएं, ये ठीक है। वह मनुष्य बहुत हिम्मत वाला है, परंतु मैं उसको शूरवीर नहीं कहता। मेरे मत में सच्चा शूरवीर तो वो है जो शीर रूपी समुद्र में उठती हुई मन की तरंगों को, मन की इच्छा आकांक्षाओं को, मन की विकार वासनाओं को संयम से पार कर जाए। जो संयमी है वही खरा शूरवीर है। वासनाओं के ऊपर जो विजय पाता है वही सच्चा पराक्रमी है। जो वासनाओं का गुलाम बन जाता है वह निर्बल। मैं संसार में हार जाता है, उसके ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। वासनाओं को संयम से जीतो। वासनाओं को चाहे जितना भोग प्राप्त हो, वे कभी भी तृप्त होती नहीं है। भोग भोगने से तो वासना बढ़ती ही जाती है। अग्नि में घी की आहुति से जिस प्रकार अग्नि शांत होती नहीं और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भोग भोगने से वासना शांत होती नहीं और अधिक प्रबल बनती। वासना ऐसी भिखारन है कि वह खिलाने वाले को ही खा जाती है, इसकी तृप्ति होती नहीं। विवेक और संयम से ही वासना शांत होती है। अग्नि में लकड़ी डालो तभी तक वह सुलगती है, परंतु लकड़ी डालना बंद होते ही अग्नि आप से आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार वासनाओं को भोग परसते रहो, तब तक वे पनपती रहती हैं, और भोग देना बंद हो जाए तो आप से आप शांत हो जाती है। पूर्व काल में भाजी रोटी में जो शांति और आनंद का अनुभव अपने पूर्वजों को होता था, वह आज भांति भांति के मिष्ठानों में और मोटर बंगलों में भी अपने को होता नहीं है। कारण जितने सुख की व्यवस्था और भोग विलास का साधन बढ़ता जाता है, उतनी ही मनुष्य की वासना भी बढ़ती जाती है। जीवन में सादगी, संतोष और संयम होगा तो ही शांति और आनंद का अनुभव होगा। सुख भोगने की इच्छा ही दुख है। भगवान तुमको सुख दे तो विवेक से प्रभु का स्मरण करते हुए थोड़ा सुख भोगो तो बाधा नहीं। बहुत सुख भोगने से तन आलसी होता है, बहुत सुख भोगने से मन बिगड़ता है। विवेक से थोड़ा सुख भोगो, परंतु अमुक सुख मुझे भोगना ही है ऐसा संकल्प मत करो। सुख भोगने के संकल्प से मन बहुत बिगड़ता है।
धीरे धीरे वासनाओं का विनाश करो। वासनाओं का विनाश करने के लिए थोड़े दिन घर छोड़ करके वन में रहने की भी आवश्यकता है। गृहस्थ का घर काम भूमि, गृहस्थ के घर में काम के परमाणु भेदते हैं। भोग भूमि में भक्ति बराबर होती नहीं है, भोग भक्ति में बाधक है। भोग में प्रति क्षण आनंद घटता जाता है, जबकि भक्ति में प्रति क्षण आनंद बढ़ता जाता है। भक्ति करने के लिए स्थान शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। स्थानीय वातावरण का प्रभाव मन के ऊपर रहता है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर के परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। चित्त पूरी एकाग्रता से प्रभु चरणों में चिपक सकता नहीं। घर की एक एक वस्तु में ममता होती है, आंखें ये देखती हैं, इसलिए मोह होता है, वासना जगती है। ग्रस्त घर में समभाव रख सकता नहीं। ग्रस्त का व्यवहार विषमताओं से भरा हुआ है, वहां समता बहुत रह सकती नहीं। जब तक संसार का संबंध है तब तक ब्रह्म संबंध होता नहीं। धीरे धीरे संसार का संबंध कम करो, संयम बढ़ाओ। संयम के बिना भक्ति में आगे बढ़ सकते नहीं। आंख का संयम बढ़ाओ, जीभ का संयम बढ़ाओ, मन का संयम बढ़ाओ। जिसको देखने की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो उसी को देखो, आवश्यकता हो उतना ही बोलो। संयम बिना सुखी हो सकते नहीं। जो इंद्रियों का गुलाम है वह भक्ति कर सकता नहीं। संयम और सदाचार बढ़ाओ तो वासनाओं का नाश हो, मन शुद्ध हो और भक्ति में आनंद आवे। विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता, वासनाओं को जागृत करता है। विलासी लोगों के संग में रह करके वासनाओं का नाश करना अशक्य है। थोड़े दिन के लिए विलासी लोगों का संग छोड़ करके एकांत में रहो। शरीर बिगड़ता है तो लो वायु परिवर्तन करने के लिए जाते हैं कि जहां अच्छी हवा हो, अच्छा पानी हो, वहीं शक्ति आवे, शीर सुधरे। शीर बिगड़ जाने पर जिस प्रकार हवा बदलने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए घर छोड़ करके किसी पवित्र तीर्थ में रहने की आवश्यकता, एकांतवास की आवश्यकता। एकांत में ईश्वर भजन करो। एकांत मन को जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में सर्व का अंत करना, उसका नाम एकांत। मन को ईश्वर में एकाग्र करना हो तो एकांत में रहने की बहुत आवश्यकता है। एकांत में जिसका मन शांत रहता है, एकांत में जिसको प्रभु भजन में थोड़ा भी आनंद आता है, उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरन होता है, उसकी वासनाओं का धीरे धीरे नाश होता है। वासना जगती है ज्ञान से। शीर का सुख मेरा सुख है, ऐसा अज्ञान से वासना जागृत होती है। परमात्मा का ज्ञान ना हो तब तक वासनाओं का नाश होता नहीं। वासना से पाप होता है, पाप का मूल है अज्ञान। अज्ञान का विनाश ज्ञान से होता है। वासनाओं का विनाश करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। एकांत में शांत चित्त से प्रभु भजन करने से बुद्धि में ज्ञान स्फुरित होता है। ज्ञान भक्ति बढ़ानी हो तो थोड़े दिन घर अवश्य छोड़ना। 12 महीने बंगले में रहें, उसकी ज्ञान भक्ति बढ़ती नहीं। आजकल कितनों को ही घर में रोज थप्पड़ पड़ता है, परंतु घर छोड़ कर के जाते नहीं। लड़के अपमान करते हैं फिर भी घर में बैठे रहते हैं।
अरे 5 वर्ष का बालक ध्रुव घर में तनिक सा अपमान होते ही घर छोड़कर के चल निकला और वन में तपश्चर्या करके उसने परमात्मा का दर्शन किया। वृद्धावस्था है, सब कुछ छोड़ करके चले जाना का समय निकट है, माथे पर काल बैठा है, फिर भी वह जीव मोह छोड़ सकता नहीं, घर छोड़ सकता नहीं। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परित्यजन्ति रोगाश्च शत्रव इव परहरन्ति देहम आयु परिस्त्रवति भिन्न घट आदिवभ लोक तथा अपाहित चर्तीति चित्रम। वृद्धावस्था भूखी बागन जैसी, वह मनुष्य की छाती के ऊपर चढ़कर बैठ के दिए तड़प रही है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग शत्रु की तरह घुस गए हैं, ये शरीर को ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी चटके हुए घड़े के अंदर पानी रखा हो और वह पानी जिस प्रकार बहने लग जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का समय शने शने रिस रहा है। इस बारे में मनुष्य को स्वयं के हित अहित का ज्ञान नहीं होता, ये कैसी विचित्र बात है। वृद्धावस्था में घर के लोग बहुत त्रास देते हैं, कोई कुछ सुनता नहीं, कहां मानता नहीं, अरे घर में बूढ़े के साथ कोई बात करने को भी राजी नहीं, घर में कोई खैर खबर पूछता नहीं, फिर भी घर की आसक्ति छूटती नहीं। तुम जिसके प्रति अत्यंत आसक्ति रखोगे वही तुमको अधिक रुलाएंगे, समझ करके घर छोड़ोगे तो कल्याण है, नहीं तो काल धक्का मारेगा और तब घर छोड़ना तो पड़ेगा ही। अंतकाल में घबराहट क्यों होती है, इस जीव को घर छोड़ना सहन होता नहीं और यमदूत जबरदस्ती घर छोड़ाते हैं। जैसे तैसे घर छोड़ना तो पड़ेगा ही, छोड़े बिना छुटकारा नहीं। अरे जबरदस्ती छुड़वाने से तुमको त्रास होता है, बहुत वेदना होती है, समझ करके घर छोड़े। वह बुद्धिमान है, तुम समझ कर ही महीने 2 महीने के लिए घर छोड़ दो तो क्या बुरा है। 1-2 महीने किसी पवित्र तीर्थ में रह करके प्रभु का भजन करो, मानव वन में रह करके तप ना करे, तब तक इसके जीवन में दिव्यता आती नहीं। श्री रामचंद्र जी राजा होते हुए भी वन में गए हैं, वन में राम जी दाल भात खाते नहीं, फल खाते हैं, कंदमूल आरोगते हैं। वनवास के मध्य में राम जी ने अनाज लिया नहीं, अन्न में रजोगुण है, रजोगुण से काम की उत्पत्ति है, सात्विक आहार बिना काम को मार सकते नहीं, सात्विक आहार करने से धीरे धीरे इंद्रियों को वश में ला सकते हो, जब तक जीव वश में ना आवे तब तक अन्य इंद्रियों का निग्रह करना कठिन। राम जी वन में तपश्चर्या करते हैं, राम जी वनवास के मध्य में धातु के किसी पात्र का स्पर्श करते नहीं, प्यास लगे तो नारियल के खोपरों में पानी पीते हैं। श्री सीता जी साथ हैं, फिर भी राम जी पूर्ण निर्विकारी परिपूर्ण संयमी हैं। राम जी पूर्ण यौवन में वन में गए हैं, वृद्धावस्था में गए नहीं, बुढ़ापे में तीर्थ में जाकर के भजन करेंगे, ऐसी बात ना करो। शीत सबल हो तब भी संयम बढ़ाओ, शीत दुर्बल होने के पीछे संयम का कोई अर्थ नहीं है। वन में गए तब राम जी की अवस्था 26 वर्ष की थी, श्री सीता माता जी की अवस्था 18 वर्ष की थी। गृहस्थ आश्रम में संयमी जीवन का आदर्श श्री राम जी ने बताया है। पहले तप किया फिर राम जी राजा हुए हैं, पहले तप
तपश्चर्या की हो तो मानव भोगों में सावधान रहता है, वनवास बिना जीवन में सुवास आती नहीं, सात्विकता आती नहीं। अरे 12 मास जंगल में रहे बिना कोई महान हुआ नहीं। जगत में जितने संत हुए हैं उनके चित्त पढ़ो तो प्रतीत होता है कि उन्होंने बहुत दिन वन में रह करके तपश्चर्या की, पितृ संयमी जीवन बिताया है, तब वासना के ऊपर विजय मिल सकी है और तब ये महान बने हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा भी राजमहल छोड़ करके गंगा किनारे तीर्थों में वास करते थे, ऋषियों के आश्रम पर जाते थे, तब शांति मिलती थी। ऐसी शांति राजमहल में कहीं भी नहीं मिलती। वनवास की बहुत जरूरत है। सर्दियों में स्निग्ध पदार्थ खाने से जिस प्रकार शक्ति पूरे वर्ष टिकती है, वैसे ही एकाध मास वन में रह करके किया हुआ तप बाकी के 11 महीनों तुमको पाप करने से विमुख करता है। अरण्यकांड ज्ञान देता है, वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिवस विरक्त साधुओं का संग करो। भजनानंदी महात्मा का संग करो, सात्विक जीवन बिताओ, साधारण भोजन करो, एकांत में बैठ करके प्रभु के किसी मंत्र का अनुष्ठान करो, ध्यान करो, जप करो। किसी गरीब वैष्णव को विष्णु यज्ञ करने की इच्छा हो तो वह कैसे कर सकता है? एक विष्णु यज्ञ करना हो तो 50,000 का खर्च होता है। गरीब वैष्णव इतनी रकम कहाँ से लावे? इसके लिए अपने ऋषियों ने एक सरल उपाय बताया है। श्रावण भादो मास के पवित्र दिशाओं में गंगा किनारे नर्मदा किनारे रह करके एक समय सादा सात्विक भोजन करके रोज नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। इस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम के 1200 पाठ करोगे तो तुमको विष्णु यज्ञ करने का फल मिलेगा। तुम्हारा मन शुद्ध होगा, इसलिए एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। तुम ऐसी इच्छा रखो कि मुझको एक आध महीना समस्त दिवस भक्ति करनी है, एक महीना भगवान जी के लिए रखना है। कितने ही लोग घर छोड़ करके तीर्थ जाते हैं तो वहाँ भी अखबार मांगते हैं। उन्हें ये जानने की इच्छा उत्सुकता होती है कि अहमदाबाद में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ। अरे तुमको अखबार ही पढ़ना है तो तुम घर छोड़ करके यहाँ क्या करने आए? दूसरे की पंचायत करने से क्या लाभ? अहमदाबाद में कहीं झगड़ा हो तो यहाँ से तुम कहीं सुधार तो दोगे नहीं, केवल बातों से क्या लाभ है? 1-2 महीने अखबार पढ़ो मत, घर की चिट्ठी मंगाओ मत, मन में दृढ़ निश्चय रखो कि ये महीना मैंने भगवान जी के लिए रखा है, तुम्हारे घर की भगवान रक्षा करेगा। कितने ही लोग घर छोड़ कर के तीर्थ में तो जाते हैं परंतु वहां जाने के बाद उनको घर की बहुत समृद्धि रहती है। कि घर के लड़के क्या करते होंगे, तू राम राम कर तो घर छोड़ कर आया है फिर भी घर का स्मरण क्यों करता है? भगवान के लिए जो घर छोड़ता है उसकी चिंता भगवान जी को है, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम प्रभु में विश्वास रखो। तीर्थ में निवास करने पर घर का स्मरण करना नहीं, तीर्थ में रह करके घर की बात याद करने से तो घर में रह करके ईश्वर का भजन करना ठीक है। तीर्थ में रह करके लौकिक बातें मन में रखनी चाहिए नहीं। मन में रखी हुई वस्तु विघ्न करती है, जिसके मन में संसार है वह घर छोड़ करके तीर्थ में भी रहता हो अथवा जंगल में पेड़ के नीचे बैठा हो, वहां भी चकवा चकवी का प्रसंग देखने से उसके मन में पाप आता है।
संसार छोड़कर के तीर्थ में जाओ और उस संसार को मन में से बाहर ना निकाल सको तो माया त्रास देती है, वासनाएं सताती हैं, संसार में रहने से पतन होता नहीं, संसार को मन में रखने से पतन होता है। वासना ही मानव को भाव बंधन में धकेलती है, वासना ही मनुष्य को संसार में जकड़ करके रखने वाली जंजीर है। वासना की पकड़ में से जो छूट जाता है वह मुक्त हो जाता है। वासना पर विजय प्राप्त करनी हो तो जीवन खूब सात्विक बनाओ, जीवन में तपश्चर्या करो, जंगल में वास करोगे तो ही काम राक्षस वासना राक्षसी मरेंगी। अन्य कांड में सूर्पनखा अथवा वासना एम मोह और शबरी अर्थात शुद्ध भक्ति ये दोनों मिलते हैं। भगवान मोह के ऊपर नजर डालते नहीं, शुद्ध भक्ति को देखते हैं। मोह को वासना को बाहर धकेलो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। अरण्य कांड बहुत कराता है कि वासनाओं का विनाश करने के लिए थोड़े दिन वन में रहने की आवश्यकता है। वन में रह करके वासनाओं का विनाश हो तो पीछे ईश्वर के साथ मित्रता होती। अरण्य कांड के पीछे आता है किष्कंधा कांड। किष्कंधा कांड में श्री राम सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है उसका नाम सुग्रीव। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं प्रभु का नाम जपने से। जी प्रभु के नाम का सतत जप करे तो प्रभु उसके साथ मित्रता करते हैं। जीव ईश्वर की मित्रता की कथा किष्कंधा कांड में है। ये जीव सुग्रीव है, राम जी परमात्मा है। जगत के किसी जीव के साथ वैर ना करो और अधिक मैत्री प्रेम भी मत करो। कोई ना मिले तो वियोग में उसकी याद मत करो। जगत के साथ विवेक से प्रेम करो। परमात्मा के प्रति प्रेम करना होगा तो जगत के विषय का प्रेम छोड़ना ही होगा। विषय को मन से ना जोड़ा जाए तब तक ब्रह्म संबंध होता नहीं। विषय आनंद हो वहां ब्रह्म आनंद संभव नहीं। मनुष्य शरीर में विषय आनंद हो तब तक ब्रह्म आनंद आता नहीं। जीव ईश्वर के साथ मैत्री तब तक कर सकता है जबकि वह काम की दोस्ती छोड़ता है। काम की मैत्री छोड़ो तो राम के साथ मैत्री होगी। मानव काम की दोस्ती छोड़ता नहीं। जिसका काम मित्र है वे ऐसा समझता है कि काम सुख देता है। काम तो क्षणिक सुख है, सच्चा सुख है नाम। काम मित्र नहीं शत्रु है। गीता जी में प्रभु जी ने आज्ञा की है जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्जुन तेरा शत्रु बाहर नहीं, तेरे मन में तेरी आंख में रहने वाला काम तेरा शत्रु है। वह तुझको रुलाता है और तेरे जन्म मरण का कारण बनता है। काम रूपी शत्रु को तुम मार। सुग्रीव राम जी के साथ मैत्री हनुमान जी की सहायता से ही कर सके हैं। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के स्वरूप है। ब्रह्मचर्य का बल मिले तो जीव ईश्वर के साथ मैत्री कर सकता है। ब्रह्मचर्य के बिना भक्ति में आनंद आता नहीं। कारण ब्रह्मचर्य के बिना मन की एकाग्रता होती नहीं।
ब्रह्मचर्य का बल मिले तो मन स्थिर होता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि एक दिवस ब्रह्मचर्य भंग हो तो उसका असर 40 दिन तक मन के ऊपर रहता है। काम और राम एक स्थान पर रह सकते नहीं, अंधकार प्रकाश एक जगह रह सकते नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कबो की रही सकी, रवि रजनी एक ठाम। भागवत में कथा आती है कि कंस और श्री कृष्ण एक जगह रह सकते नहीं। कंस और श्री कृष्ण जीवन में एक ही बार मिले, तभी श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला। एक ही मथुरा में अर्थात मानव शरीर में श्री कृष्ण कंस रूपी काम के साथ रह सके नहीं। कंस काम है, रावण काम है, काम और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। काम की मित्रता छोड़ो तो प्रभु के साथ प्रेम होगा। मन में काम को रखो अथवा ईश्वर को रखो। जब तक मन में काम है तब तक राम आते नहीं। मन में काम आंखों के रास्ते आता है, इसलिए आंख में रावण को, काम को आने मत दो। रावण के 10 मस्तक थे, इसका अर्थ यह है कि रावण काम 10 इंद्रियों में रहता है। सबको रुलावे उसका नाम रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण काम मरेगा, और काम मरेगा तो राम मिलेंगे। राम जी ने जिसे अपनाया है वह कामांध हुआ नहीं। भगवान जिसे अपनाते हैं वह काम के अधीन होता नहीं, उसका मन हमेशा पवित्र रहता है। तुम कामी के साथ मित्रता करोगे तो तुम भी कामी हो जाओगे। तुम निष्काम परमात्मा के साथ मित्रता करोगे तो निष्काम हो जाओगे। ईश्वर के अलावा सारा जगत काम में है। जगत के साथ वैर मत करो, परंतु ये जगत प्रेम करने लायक नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ मित्रता करता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। जय श्री राम जी।